गोपाल भट्ट प्रिय पूज्य शालोद्ग्राम भवम श्यामम तनुम सुशोभम विभंग्रम रूपम कलवेणु वक्त्रम श्री श्रील राधा रमणम नमामि। जन्मादियस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यद विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अहो बकियं स्तनकालकूटं जिगांसि अपाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं नहार्त्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। न्यमीड्यते अब्रबभुसे तडिदं वराय गुञ्जावतंस परिपेक्ष्य लसन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्ग्रजाय मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरेष्ठं वातातमजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रासेश्वरं रासकरं वरं रासेश्वरीश्वरं रसाधीष्ठात्र देवं च वन्दे रासविनोदिनं क्षणं हसति रोदति क्षणमत क्षणं मूर्छति क्षणं लूठति धावति क्षणमत क्षणं नृत्यति क्षणं स्वसिति मुञ्चति क्षणमुदार हाहारवं महाप्रणय लीलया विहरति है गौरो हरिः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। रसिक शेखर रास रासेश्वर रस चौर रस अधिपति श्री राधा रमण देव की असीम कृपा सु हम सभी भगवत गण श्रीमद् भागवत के इस दिव्य ज्ञान प्रेम यज्ञ में सलाव हिंदू मंदिर के इस दिव्य प्रांगण में सब उपस्थित हुए हैं। आज कथा का अंतिम दिवस है। और कुंती स्तुति के सातवें श्लोक की प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय के अंतर्गत जो कुंती स्तुति आती है जिसकी व्याख्या जिसको समझने का प्रयास सब आचार्यों की टीकाओं के द्वारा हम
पिछले एक वर्ष से कर रहे हैं, उस कुंती स्तुति के सातवें श्लोक की चर्चा हम सब यहां मिलकर कर रहे हैं। आज अंतिम दिवस है, आधी आध अभी हुआ तो आधा श्लोक है, कोशिश करेंगे आज जल्दी से भगा दें थोड़ा सा, क्योंकि आधे अधूरे में छोड़ना गलत होता है। क्योंकि अगली बार आओ और आके आपसे पूछी कहाँ कथा हुई, कौन सी वाली हुई, तो याद नहीं रहेगी। एक बार प्रियालाल जी, भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी, जयपुर में श्री राधा गोविंद मंदिर में जाके कथा कर रहे थे। बीच में उन्हें कहीं जाना था तो 7-8 दिन को कहीं गए किसी उत्सव में, और उत्सव में जाके वापस आए, आके व्यास गद्दी पे बैठे, और बैठने के बाद सबके सब जितने भी पूरा जयपुर वहां पे आ चुका था उनकी उस दिव्य कथा को सुनने के लिए। और इन्होंने पूछी, ये बताओ वो पिछली कथा में कहां छोड़ के गया था। सब कह रहे थे महाराज जी आपकी कथा बड़ी प्यारी है और हमने तो उसे हृदयंगम कर रखा है, हृदय में अवस्थित कर लिया है, आपकी कथा का तो दिन रात हम स्मरण करते रहते हैं, आनंद उठाते रहते हैं। तब उन्होंने कहा, आखिरी कौन सी करके गया ये बता दो। महाराज सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कौन सी करी थी, होश नहीं है। होता भी यही है, कल की पूछो, कल की कौन कौन सी कथाएं थी, थोड़े होंगे जिनको याद होगी। बोले, भगवान तुझसे जितनी भलाई मिली यहां तक ली, उसके बाद तो अपने अपने चल दिए। कथा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां तुम ठाकुर को याद करते हो और विषयों को भूल जाते हो। कोई नहीं बता पाया जयपुर के अंदर जब प्रियादास जी कथा कर रहे थे, तब गोविंद देव महाराज, उन्होंने अपने वहां आचार्य जो सेवा में थे उनको बुलाया, गोस्वामी महाराज को बुला के उनसे कहा कि भैया ये पिछली बार आके रैदास की कथा कर रहा था, अब रैदास की सुन ली, अब आगे कहो। महाराज वह आचार्य भागे भागे गए और जाकर प्रियादास जी से कहा, सब भक्त सुने या ना सुने, परंतु ठाकुर तो कथा को हमेशा सुनता रहता है। ठाकुर जी ने कहा है, आप पिछली बार आए थे तो रैदास की कथा चल रही थी, वह तो पोथी पतली सब बंद करके चलने वाले थे, तुम सुनते कैसे हो, सामने सामने तो दिखते हो कि हाँ सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो, वो तो जाने वाले थे। जब उन्होंने सुन ली, उसे जाने की, प्रियादास से कह दो उसे जाने की जरूरत नहीं है, कथा कोई सुने या ना सुने मैं तो जरूर सुनता हूं। यहां प्रथम दिन भी कहा, कथा किसको सुना रहे हैं, आपके हृदय के अंदर अवस्थित जो परमात्मा है उसको सुना रहे हैं। दो पक्षी रहते हैं ना भागवत के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, ये हृदय एक घोंसला है, इसमें दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा। जीवात्मा को तो तुम बचपन से खिला रहे हो, कथा जब होती है तो महाराज हमारा लक्ष्य यह होता है वो जिसे खाना नहीं मिल रहा है उसे हम खिला दें। अब लड़ाई होती है, घर देखो छोटा हो तो उसमें बहुत कम लोग रह सकते हैं भाई, एक घर एक घोंसला दो पक्षी, और दोनों में लड़ाई है कि कौन सा वाला महाराज जरा ज्यादा पुष्ट हो जाए, जरा ज्यादा तंदुरुस्त हो जाए। आप किसे खिला रहे हो, जीव को?
आप जीव को खिला खिला के मोटा कर रहे हो, परमात्मा धीरे धीरे करके महाराज खिसक खिसक के मर जाएगा या बाहर निकल जाएगा। हमें क्या करना है महाराज? उस परमात्मा को खिलाना है। परमात्मा खाना शुरू कर दे, वह पुष्टता की तरफ आ जाए तो जीवात्मा गायब हो जाएगी। और जब परमात्मा फल फूल के महाराज बैठ जाएगा तो तुम दिव्य आत्मा बन जाओगे। यक्ष ने इस प्रश्न को युधिष्ठिर महाराज से करा था, पुरुष कौन है? बोले जो अभी तक संसार के अंदर है और स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाया वही पुरुष है। जिस दिन वह स्वर्ग तक पहुंच, स्वर्ग में भी जितने भी देवतागण हैं वो उस आदि पुरुष का जिस दिन गुणगान करना शुरू कर देते हैं वो दिव्य आत्मा बन जाता है। जब स्वर्ग हिलना शुरू होता है तब उसका गुणगान होता है, वह पुरुष नहीं रहता, तब वह दिव्य आत्मा बन जाता है। तो कथा आपके हृदय के अंदर अवस्थित जो परमात्मा है वह सुन रहे हैं। कुंती स्तुति सातवां श्लोक जिसकी चर्चा चल रही है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत् सभाया वनवास कृच्छ्रितः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोणस्य त्रतश्च चास्म हरेभिरक्षितः। कुंती भगवान श्री कृष्ण को गिना रही हैं कि आप हमारे रक्षक कैसे रहे। एक श्लोकी श्रीमद् भागवत श्री महाभारत का हम सब यहां श्रवण कर रहे हैं। कल का उपाख्यान जो चला था वह चला था वनवास कृच्छ्रिता। कुंती आदि भक्ता जो रही है ना, देखो कुंती का प्रेम तो बहुत अनन्य प्रेम है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जिस दिन उनको पता चली कि भगवान श्री कृष्ण अपने लोक को वापस चले गए हैं, जैसे ही सुना उसी समय उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। वह संसार में थी सिर्फ किसके कारण? भगवान श्री कृष्ण के कारण। भक्त का कार्य क्या है? तन तो दे परिवार को और मन को दे श्री कृष्ण को। मन मत देना परिवार को, मन दे दिया गड़बड़ हो जाएगी। और तन होता तो ये है, मन तो परिवार को दे रखा है, तन महाराज भगवान श्री कृष्ण को दे रखा है। ठाकुर से जब उपासना करने बैठते हैं बस उंगलियां घूमती रहती हैं, मंत्र जीवा से तो चल रहा है, मन तो और कहीं लगा होता है। और मन कहां लगा होता है? अपने परिवार में। बड़ी गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मन को तो मेरे पास दे, मेरे शरण में रख। अच्छा, पूरा भी मन नहीं देते हो? तुम्हारी पत्नी कहे तन भी तुम पूरा नहीं देते हो श्री कृष्ण को। तुम्हारी पत्नी कहे कि
घर के लिए जरा रोटी सब्जी क्या इंतजाम इंतजाम कर दो, जरा टेस्को चले जाओ, जरा शॉपिंग वॉपिंग करके आ जाओ। बोले मैं मन से तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ पर शॉपिंग करने नहीं जाऊंगा, तन मैंने श्री कृष्ण को दे दिया है। अब पत्नी का करे महाराज वा मन को, तकिया बना के वापे सोवे कि चादर बिछा के वापे लेटे। क्या करे तुम्हारे मन का? बोले घर में पैसा आए तुम काम करने के लिए जाओ, बोले तन तो मैंने श्री कृष्ण को दे दिया है, मन तुम्हारे पास है। मन से थोड़ी ना घर परिवार चलेगा, परिवार को तन चाहिए, मन श्री कृष्ण को चाहिए। परंतु उल्टा कर देते हैं, मन तो एक होतो, जो गयो श्याम संग। गोपियां कहती हैं मन तो एक होतो जो गयो श्याम संग। दस बीस मन हो उद्धव तब तो समझ में भी आती है, यहां तो एक ही मन था, गोपियां ले गई। पांडवों के अंदर भी यही गुण है, भागवत ने तो पहले बता दिया भक्ति कैसे करो। बोले या यावत अर्थः मुपासीनो देहे गेहे च पंडिता विरक्तो रक्त वतः तत्रा नृलोके नरताम नयसेत। भागवत कहती है बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, आवश्यकता के अनुसार, उससे ज्यादा नहीं। आवश्यकता जितनी हो उतनी सेवा करो, भीतर से विरक्त रहो बहुत जरूरी है, यह भक्त का उत्तम लक्षण है। भीतर से विरक्त रहो और बाहर से रागी बनकर व्यवहार करो। रागी मतलब अपना पूरा प्रेम दिखाओ। हे पत्नी बहुत प्रेम करो तुझसे, खूब प्रेम दिखाओ, परंतु अंदर ठाकुर के कारण पूरी विरक्ति हो। जब यह हो जाएगा तब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। दसवें स्कंद के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है, कहता है युधिष्ठिर जी के पास उनकी रानियां भाई और पृथ्वी सब कुछ थी तो भी हमेशा वे श्री कृष्ण में ही रत रहते थे। पांडव कैसा व्यवहार करते थे? जैसे ही महाराज उन्हें लगा अरे इस राजा को मारना है, सबके सब आके इकट्ठे हो गए। हाँ भाई अरे तेरे लिए जान दे देंगे, हाँ भाई तेरे लिए मार देंगे। जैसा कलाकार कुछ महाराज देखा, कोई थिएटर में पहुंच कर कोई प्ले दिखा रहा हो तो वहां पे तो सब अपना प्रेम दिखा लेंगे, जैसे ही स्टेज से उतरेंगे कौन तू हम तो न जाने, हम तो कृष्ण के भक्त हैं। ये उत्तम भक्त का लक्षण है, प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के अंदर बता रखा है। किम ते कामहा सुर स्प्रहा मुकुंद मनसो द्विजहा अधि जरहु मुदम राज्ञः क्षुदितस्य यथेत्यरे। बोले सब कुछ था युधिष्ठिर महाराज के पास, जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, वैसे ही श्री कृष्ण के अलावा युधिष्ठिर महाराज को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सब कुछ था उनके पास, उनकी रानियां थीं, बाही उनके अनुकूल थे,
रिश्तेदारों का अनुकूल होना बड़ा कठिन काम है, किसी के रिश्तेदार अनुकूल नहीं होते हैं, बड़ी ताकत लगे है। परंतु युधिष्ठिर महाराज के भाई अनुकूल थे, जो कहते महाराज मान लेते, रानियां सब अनुकूल थी, पूरी पृथ्वी पर शासन था, उसके बाद भी उदास रहा करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मन दे रखा था श्री कृष्ण को। अगर यह नहीं करा तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और कुंती के इस श्लोक को, इन स्तुतियों को हम पढ़ रहे हैं, उनकी दिव्य भावों की चर्चा यहां पिछले वर्ष से शुरू हुई। ये बस एकमात्र सुनने का विषय नहीं है, सुनने के बाद इसका चिंतन और मनन दोनों आवश्यक है। कहवे कहत सुनत भागवत बड़े, श्रोत ही वक्त ही अभिमान। एक अभिमान जागृत होता है। व्यास जी इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बड़ी प्यारी। बोले कहत सुनत भागवत, भागवत करने वाला और नीचे भागवत सुनने वाला, इन दोनों को ही श्रोत ही वक्त ही हाँ अभिमान, इन दोनों को अभिमान आ जाता है। ऊपर वाला सोचता है कि हाँ जी मुझे पूरी भागवत आती है, नीचे वाला सोचता है गुरु इनसे ज्यादा भागवत तो मुझे आती है। होवे भी यही है, बहुत सारी भागवत ऐसी हुए नीचे वालों खड़ो है कि करेक्ट कर दे, वे गलत कह रहे हो महाराज जी। हमारे यहाँ तो वृंदावन में आ जाओ, जितनी बैठी बैठी मैया हूँ मैं आगे की तरफ, महाराज कोई आ जाए ऐसो, हमारा वहाँ की तो गोपियाँ हैं ना, देखने में तो लगे ना है, परंतु जैसे ही कोई थोड़ा सा रसाभास भयो, थोड़ी सी रस सिद्धांत के अंदर गलती करी, मई खड़ी हो जाए कोई हो तू, बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ी है कहीं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े लोगों वृंदावन में कथा करने के लिए बड़े बड़े, जिनको टीवियों पे देखते हो, जैसे ही पहुंचे वहां पे कथा करने को सीधे एक गलत बोल रहे हो, ये सिद्धांत ऐसे नहीं ऐसे है। पर वो सिद्धांत की ज्ञाता हैं, वह जानती हैं कौन सा रस सिद्धांत कहां पे लगता है। हमें तो थोड़ी थोड़ी कथा बचपन से सुन ली तो महाराज वो कथा आ गई, और वो कथा आ गई तो बस आनंद से बैठ के बैठ जाते हैं। 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत को तो हम घोट घोट के पी चुके हैं। अच्छा, धनार्थी वक्ताओं ने तो ऐसा परेशान भी कर दिया है कि वही कथाओं को गाते हैं, वही 5 मिनट की कथा गावेंगे, 15 मिनट को कीर्तन करेंगे, फिर 5 मिनट की कथा गावेंगे, फिर 15 मिनट को कीर्तन करेंगे, समन को याद है गई है। एक बार हम कहीं गए कथा करने के ताई, छोटे छोटे, मेरे ख्याल से शुरुआती वास में कथा की, 25-26 साल के रहे होंगे, मेरे ख्याल से 9 साल पुरानी बात होगी। सावन का महीना था, नकुल जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग है हमारे भारत में, नकुड़ एक स्थान है, नकुड़ एक कस्बा कहा जाता है, वहाँ पे नकुल जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग, वहाँ उस शिव मंदिर में हमारी कथा कराई गई थी, कृष्ण कथा, कि भाई भगवान शिव वैष्णव हैं तो उनको कथा सुनाएं। तो वृंदावन से हमें बुलाया गया, तो हम वहाँ पे कथा करने के लिए गए, नकुल जी के प्रतिष्ठित उन नकुड़ेश्वर कहते हैं, क्या था नकुड़ेश्वर महादेव, आज भी याद है, एक बारी भयो जीवन में फिर कभी ना भयो ऐसो। कथा करने के लिए बैठे,
अच्छा, रात बड़ा लंबा सफर तय करके पहुंचे और रात को जहां स्थान था वहां पे पास में खेत था, रात भर लाइट नहीं थी। और रात भर लाइट नहीं तो मच्छर ही मच्छर, मच्छर ही मच्छर। मेरे ख्याल से जीवन में इतने मच्छरों ने कभी नहीं काटा होगा। रात भर नहीं सोए, सुबह थकावट के कारण जैसे ही जरा जरा सी नींद आने लगी, इतनी देर में हमारा सब सामान रखा हुआ था खिड़की के पास, तो कुछ बच्चों ने देख लिया वो सामान रखा हुआ है, तो अपना हाथ डाल के ही करते हुए वो निकालने लगे। तो एक बालिका निकाल रही थी तो उसकी चूड़ियों की आवाज़ आ गई, तो वो जो नींद आ रही थी तो वो एकदम फिर से नींद खुली, ये चूड़ियाँ कहाँ से बजी? तो देखा तो वो बच्चे मोबाइल और सब कुछ चुराने में लगे हुए थे। तो हम भैया भागे उठ के, तो उठ के भागे तो हमने महाराज उस पकड़ा, अब नींद नहीं आई गुरु, बड़ा अजीब कस्बा है, रात को लाइट नहीं होती है, इतनी ताकत लगा के तुम आए हो और यहाँ पे तो इस तरीके के बालक बालिकाएं हैं। तो कथा करने के लिए बैठे तो आधी निद्रा में थे, नींद आ रही थी बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी कहीं पे भी। तो बात चल रही थी अक्रूर जी के संवाद की। अक्रूर जी वृंदावन आए और आके श्री कृष्ण बलराम को लेके मथुरा गए। परंतु हम अर्धनिद्रा में होकर इस कथा को कर रहे थे। अब हम हो गए कंफ्यूज, क्योंकि दो लोग आए थे मथुरा से, एक अक्रूर आए थे एक उद्धव आए थे, और हमने चालू करा कि कृष्ण बलराम के चाचा जी उद्धव जी आए। प्रथम प्रथम बार गलती हुई हमसे जीवन में, और ठाकुर की इच्छा रही तो आखिरी है। तो वो उद्धव जी कृष्ण जी के गुरु आए, कंस के द्वारा भेजे गए थे, और भेजने के बाद उन्होंने लिया, रथ पे बैठाया और उद्धव जी चलने लगे। नीचे ऐसे ही महाराज कोई भक्ता बैठी हुई थी, बुजुर्ग महिला, बीच में ही खड़ी है गई, उद्धव ना आए अक्रूर। भैया हमने तो कान पकड़ लिए, कथा जैसे तैसे हमने खत्म करी और हमने सोच लियो भैया अब तो आधी निद्रा आ जाए तो कॉफी पी लो, परंतु पूरी कथा करो। तो नीचे बैठे हुए बहुत सही करते हैं, और नीचे वाले को ऊपर वाले से ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। नीचे वाले के पास ज्ञान नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा कथा के अंदर। व्यास के पास ज्यादा ज्ञान है, परंतु देखो उल्टी है हमारी भागवत की परंपरा। व्यासदेव स्तुति करते हैं प्रथम स्कंद के अंदर, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय तीसरा श्लोक मंगलाचरण है श्रीमद् भागवत का, व्यासदेव कर रहे हैं स्तुति। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद्रव संयुतम पिबता भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। पिता व्यासदेव, पुत्र शिष्य उनका शुकदेव, मंगलाचरण होता है अपने गुरु के लिए, परंतु ऐसी उल्टी परंपरा है कि महाराज पिता किसको नमन कर रहे हैं? अपने सुखदेव, अपने शिष्य को। यह उल्टी परंपरा है श्रीमद् भागवत की। इसमें रस रीति देखी जाती है, भाव देखा जाता है। महाराज कथावाचक विद्वान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, परंतु नीचे बैठा हुआ जो भक्त है वह भावुक है, वह रस से भरा हुआ है, रस से ओतप्रोत है, उसे ज्यादा विद्वान होना चाहिए। कभी कभी कथा भूल जाओ, भाव में बह जाओ, तो नीचे वाला महाराज, महाराज जी
हम भी पूछें, जब भी कछु हो जाए, एक दिन ना पूछी हम भूल गए नाम धृतराष्ट्र के दासी के पुत्र को, महाराज जी नीचे बिल्कुल चैतन्य अनुरागी जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, उन्होंने एकदम याद दिला दियो, युयुत्सु था उसका नाम, धृतराष्ट्र के जो 102 पुत्र और पुत्री हुए। बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। और दूसरा वाला भक्त कैसा होता है, रसिकों में ठीक है समझ में आती है, ऊपर रस की कथा चल रही है, नीचे भी रसिक वर बैठे हुए हैं, परंतु व्यासदेव कह रहे हैं कि एक और है, कहत सुनत भागवत बढ़े श्रोत ही वक्त ही अभिमान। बोले एक तो ऐसा वक्ता और श्रोता होता है कि उसने इतनी बार भागवत कर ली, उसके बाद उसे अभिमान हो जाता है कि मैं सब कुछ जान गया भागवत को। मद मत्सर ना गयो ना भयो सुख, रुख ना करत चसकान। बोले ना मद जाता है उन दोनों के अंदर से, ना मत्सर जाता है, ना भयो ना सुख, सुख की प्राप्ति, कृष्ण सुख सुख की प्राप्ति भी उसको नहीं होती है। रुख ना करत चसकान, भक्ति ना भई विषय ना गई रति, भूली गयो भगवान। बोले भैया विषय सुख उसका जाता नहीं है, विषय सुख तो भरता रहता है, खूब यहाँ कथा सुनता है, यहाँ से निकला सब कथा यहीं की यहीं छोड़ के चलो गयो, चिंतन मनन योग्य फिर कथा नहीं होती है, फिर माया ही रहती है और वह भगवान को भूल जाता है। लोभी को लोभ न छूटो, ना गयो कृपन को जूस सयान। बोले लोभी का लोभ अगर नहीं छूट पाया है, और महाराज कृपण अभी तक बहुत सयाना कंजूस, कंजूस अभी भी बहुत सयाना बना हुआ है, तो समझ लो भागवत अभी तक उसने सुनी नहीं है। भागवत का धर्म तो एकमात्र महाराज भक्ति को प्राप्त कराना है। अराध्यो भगवान ब्रजेस्तने तत्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधुवर्गिणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुरमूर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मत्मिदं तत्राग्रहो न परहा। श्री मद्भागवतम प्रमाण ममलम, जोरदारी से हमारा प्रमाण सहित श्रीमद्भागवत ये बताने की चेष्टा कर रहा है, क्या मिलेगा, पंचम पुरुषार्थ प्रेम। कहीं से भी उठा लो श्रीमद् भागवत के अंदर, एक जगह ही जरूर श्री कृष्ण की चर्चा है, या नहीं तो हर जगह भक्ति की चर्चा है, भक्त और उसकी भक्ति। श्रीमद् भागवत के अंदर कुछ लीलाओं को हटा दिया जाए, उसके अलावा तो भगवान के भक्तों की तो चर्चा है ना। सबसे बड़ा भक्तमाल तो महाराज श्रीमद् भागवतम है, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे गजेंद्र हो, चाहे गोपियां हो, चाहे नंद बाबा यशोदा हो, सबके प्रेम की चर्चा है श्रीमद् भागवत के अंदर। और भगवान श्री कृष्ण तो अलग अलग रूपों को लेकर उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए। ये तो गोपियां जरा इतनी बड़ी भक्ता थी, इस वजह से राधा कृष्ण का जरा ज्यादा नाम हो गया, ना तो कौन जानतो राधा कृष्ण को, भक्त तो बड़ा है ना। वह भगवान को अपने हृदय के अंदर अवस्थित करके रखता है। बोले केवल कृष्ण कृपा बिनु साधु, संग बिनु रंग न आन, व्यास भक्ति समुझी तबही नारद के सुनत वखान। बोले इस बात को समझ लो, तुमने 85 बार कथा सुन रखी है, परंतु उसके बावजूद भी ये समझ गांठ बांध के धारण कर लो, कृष्ण कृपा के बिना तुम्हें यह भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है।
हमने हजारों बार भागवत कथा सुनी हो, व्यास जी कहते हैं केवल कृष्ण कृपा बिनु साधु संग बिनु रंग की आन। बोले कृष्ण कृपा साधु के द्वारा का जब संग होता है उससे मिलती है, और जब मिलती है तभी रसिकों का संग चढ़ता है। कैसा वाला रस? कोई रसिक श्याम रस पीवे गो। कैसो वालो रस? कोई रसिक श्याम रस पीवे गो सोई जीवे गो। अगर वह रस पी रहा है रसिक, तो महाराज यह उसके लिए अमृत बन जाता है। पिएगा तभी महाराज जानेगा, और पीवेगो सो ही फूलेगो। बोले उसका वह जो परमात्मा जो हृदय के अंदर प्रतिष्ठित है ना, वो फूलना शुरू होगा। बोले पीवेगो सो ही फूलेगो, तन मन देखी ना भूलेगो। अपने तन मन को भूलकर अपने प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण की याद करता रहेगा, अपने प्रिया लालजू की याद करता रहेगा। पीवेगो सो ही माचेगो, साधु संग मिली राचेगो। बोले महाराज अब तो वह पिएगा तो बस, अब तो उन्हीं कृष्ण नाम की धूम पर ही झूमता रहेगा, और साधु संग मिली रचेगो। महाराज अब तो उसका रंग जो होगा ना, वो साधुओं का संग जब उसे प्राप्त होगा तभी असली निकल के आएगा। राचेगो, मेहंदी को रचना होता है ना, मेहंदी जब खिल के आती है तो उसे बोला जाता है अब तुम्हारे हाथ में मेहंदी रच गई। जब खिल के आई और खिली नहीं तो मेहंदी रची नहीं तुम्हारे हाथ में। तो असली भक्त कौन सा? बोले वो जो साधुओं का संग प्राप्त कर ले, और करने के बाद महाराज उस हृदय से नए नए भाव उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, और ऐसा प्रेम उत्पन्न हो कि बस उसी में रच बस जाए, उसी को जीवन का आधार मान ले। भजवे को दो ही भले, भजने को सिर्फ दो ही भले हैं, के हरि को दास, या तो हरि और हरि का दास। हमारे यहाँ वृंदावन की रीति में भी राधा रमण श्री भट्ट गोपाल, राधा रमण श्री भट्ट गोपाल। कौन से राधा रमण चाहिए? बोले जो भट्ट गोपाल को प्राप्त हैं, श्री गोपाल भट्ट जी को प्राप्त। कौन से वाले उनको प्राप्त हैं? बोले वो जो रास से राधा रानी के संग अदृश्य होके चले गए थे, और राधा रानी को जब पैर में पीड़ा हुई और राधा रानी ने निवेदन करा, श्रीमद् भागवत में जिस कथा का वर्णन है कि हाथ जोड़ के जब राधा रानी बोली हे प्रिय मैं चल नहीं पा रही हूँ, आओ अब मुझे अपनी गोदी में उठा लो, तब भगवान श्री कृष्ण बोले हे प्रिय तुम इस तरु लता पर चढ़ जाओ, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, इस तरु पर चढ़ने के बाद तुम मेरे कंधे पे आके बैठ जाना, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। जिस वृक्ष से पे राधा रानी चढ़ी, उस वृक्ष पे नीचे ठाकुर जी बैठ गए कि आओ राधे अब कंधे पर चढ़ो। जैसे ही राधा रानी ऊपर से नीचे कूदी, ठाकुर जी वहां से भी अदृश्य होकर चले गए। श्री गोपाल भट्ट जी ने किस स्थान को अपनी साधन स्थली बनाया? बोले उस वृक्ष को जहां से मेरे भगवान श्री कृष्ण अदृश्य होकर चले गए थे। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाबुजा। प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी ने रमण नाम से बुलाया।
गोपाल भट्ट जी ने वही साधन स्थली मान ली और कहा, जो राधा रानी ने प्रकट नहीं करा वो अब मैं ठाकुर जी आपसे विनती करता हूं कि आप यहां से प्रकट होके आ जाओ। जैसे नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन तो विरह की वेदना इतनी छाई कि आके बैठ गए और आके बैठ के बोले, प्रभु असुर लोक के अंदर भी तुम खंभ प्रकट करके नरसिंह अवतार में आ सकते हो, मैं तो आपका रसिक प्रेमी हूँ, आपका यहीं ध्यान कर रहा हूँ, अदृश्य यहीं से हुए थे, कृपा करके महाराज यहीं से फिर से प्रकट हो जाओ। हरे नाम करते रहे, हरे नाम करते रहे, हरि संकीर्तन करते रहे, करते करते रोते रोते हार मण हार मण हार मण, दर्शन दो हार मण दर्शन दो, रोते रहे और इतना रोए कि महाराज मूर्छा आ गई। और जब आंख खुली तो उनके पास द्वादश शालिग्राम शिला थी, उनमें से एक शालिग्राम शिला दामोदर शालिग्राम शिला। ये बड़ी अभूतपूर्व घटना थी, ठाकुर शालिग्राम शिला भगवान का ही स्वरूप है, श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, श्री कृष्ण शालिग्राम और साक्षात भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं होता। शास्त्र कहते हैं शालिग्राम जहाँ प्राप्त हो जाए उसे प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है, उसकी उपासना करनी चाहिए। परंतु देखो वह गोपाल भट्ट जी ने जिस साधन स्थली पर बैठ कर ऐसा साधन करा उसकी सिद्धता आज हो गई कि ठाकुर में से ठाकुर प्रकट हो गया। श्री वह दामोदर शिला शालिग्राम शिला जो थी उसमें से महाराज राधा रमण देव की यह दिव्य श्री विग्रह की प्राप्ति हम सबको हुई। नाम से, सिर्फ हरि नाम से लगे इतना बड़ा ठाकुर सामने, वहां चित्रपट धारण है, यहां भी धारण होएगा, इतने से इतने बड़े बन गए। और रोज दर्शन करता है जो भी राधा रमन जी के भक्त हैं, रोज कभी एक दांत दिखाएंगे, कभी दो दांत दिखाएंगे, कभी महाराज आठ आठ दस दस दांत दिखा देंगे, किसी दिन मुंह खुला होगा दांत नहीं दिखेंगे, किसी दिन महाराज दांत बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे, मुंह भी बंद हो जाएगा। ठाकुर एक, परंतु प्रतिदिन एक नई छवि देखने को मिलती है। सुबह मूड अलग है, दोपहर को अपने आप मूड अलग होगा, कभी कभी भक्त महाराज फोटो देखे आ तो राधा रानी ने बड़ो लताड़ो होगा, अरे आज तो बड़े खुश खुश नजर आ रहे हैं, क्या चेक करे राधा रानी ने प्रेम जरा ज्यादा करा है। हर दिन की छवि अलग है, हर दिन की छवि। हर मंदिरों के अंदर जाओ ठाकुर वैसो ही दिखेगा, रूप में अंतर नहीं होगा। बाह्य रूप से तुम आभूषणों से उनको और तुम सुंदर कर सकते हो, शोभनीय बना सकते हो, वस्त्रों अलंकारों से तुम कर सकते हो। राधा रमण देव के वस्त्रों को बाद में देखा जाता है, श्रीमुख को पहले देखा जाता है। हमारे यहां तो कहें सबसे ज्यादा फोटोजेनिक भगवान एक ही है, वृंदावन को इतने कैमरा लगे रहे हैं फोटो खींचने के, ताई पूरे वृंदावन में कहीं ना लगते होंगे। जो व्यक्ति देखो खट मोबाइल निकाल के, अरे मैंने यार भक्ति कर ले, मोबाइल बाद में ले लियो। नहीं महाराज जी, जो दर्शन मैं कर रहा हूं वो आके सबको कराना चाहता हूं। अलग से तो मंदिर में हमारे पिछले साल एक फोटो खींचने का स्टैंड बना दिया गया, बाद में हम सब कुछ आचार्यों ने उसका जरा वो कहा कि नहीं अच्छा नहीं लगता, नहीं तो फोटो खींचने का जो आवे महाराज दर्शनार्थी ने कोने में करे, बोले अरे तुम तो देखते रहोगे, मैं फोटो खींच के अपने परिवार को दिखाना चाहता हूं। ठाकुर तो प्रेम से प्राप्त होता है, जो पीवेगो सो ही माचेगो, और साधु संग मिली राचेगो, चाखेगो सो ही जानेगो, कहने कौन पतन्याएगो। बोले भैया जो चखेगा वही बताए सके कैसो स्वाद है।
जाने पियो ही ना है, जाने जानो ही ना है, वो कैसे बताए सके। इस संसार की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, राधा रानी को सब भजे पर जाने कोई ना है। मूर्तियां जरूर होंगी, हर घर के अंदर मूर्ति ना है तो फोटोग्राफ जरूर होगी, राधा कृष्ण के भक्त जरूर बन गए होंगे, जाने सब भजे सब जाने ना कोई। और रस की सागर तो वही है, वृंदावनेश्वरी तो वही है, वृंदावन की प्राप्ति करनी है तो राधा रानी का के शरणागत तो सबसे पहले बनना पड़ेगा। हम कुछ दिन पहले अभी कुछ आस्वादन कर रहे थे, बड़ा अच्छा राधा रस सुधा निधि का वह श्लोक था, यस्या प्रेम घनाकृतेः पदनख ज्योत्सना भर स्नापितः स्वांतनानां समुदेति कापि सरसा भक्ति भक्तिश्चमत्कारिणी सामे गोकुल भूपनंदन मनश्चोरी किशोरी कदा दास्यम दास्यति सर्ववेद शिरसाम यत्तत् द्रहस्यम परम। बोले राधा रस सुधा निधि के अंदर इसकी चर्चा करी हुई है, राधा रानी कौन है। बोले यस्यः प्रेम घनाकृतेः, भगवान श्री कृष्ण कौन है, भले वह रस के सागर हैं, वह प्रेम के सागर कहे गए हैं, पर राधा रानी कौन है, प्रेम घनाकृते है। महाराज जैसे भगवान श्री कृष्ण दूध हैं और उस दूध को ले लेके उबालना शुरू करा शुरू करा शुरू करा और जब वह घन रूप में जरा बढ़िया थिक हो गया ना, वे हैं राधा रानी। दूध से ज्यादा पौष्टिक जो होता है दही होता है, दही से ज्यादा पुष्ट जो करता है वह मक्खन करता है, और घनीभूत में बोला सबसे ज्यादा पुष्ट कौन करता है, वह घी करता है। राधा रानी कौन है, बोले वह प्रेम घनाकृत है। बोले वह तो सबसे ज्यादा पुष्ट करने वाली श्री राधा रानी ही है। क्या कह रहे हैं, पद नख ज्योत्सना भर स्नापितास। महाराज सखी कह रही है, हे राधा रानी, स्वान तानाम समुदेति कापि सरसा भक्तिश्चमत्कारिणी। बोले हे राधा रानी, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। कैसे कृपा करूं तेरे ऊपर, तो सखी कहती है, पद नख ज्योत्सना भर स्नापिता। बोले आप अपने चरण कमलों पर जो आपके आपके जो नाखून है, वो पैर की उंगलियों में जो नाखून है, उसकी ज्योत्सना उसकी रोशनी उनकी किरणों से भर स्ना पिता। बोले उससे आप मुझे स्नान कराओ, पुष्टता आए तो प्रतिदिन चलती रहे, स्नान कराओ। मतलब सबसे बड़ा सुख किस बात को कहा गया, सखी बोली सबसे बड़ा सुख तो वही है जहां पे श्री राधा रानी रोज प्रतिक्षण तुम्हें स्नान कराएं अपने उस प्रेम रस में। वो प्रेम रस कैसे प्राप्त होगा, बोले दासी तो चरणों की दासी होती है, दासी बार बार मांग रही है कि मुझे आप किशोरी जू चरण दे दो, आपकी चरणों के नख की किरणों का स्नान ही मेरा एकमात्र रस है। दूसरा एक और भाव भी है, ये सखी का भाव, दूसरा कृष्ण का भाव, बड़ा ये बहुत लीला में
श्लोक है। ठाकुर जी कौन है, श्लोक के ऐसे तीसरे पद में इसकी चर्चा हुई है। सामे गोकुल भूप नंदन मनश्चौरी किशोरी कदा। बोले भगवान श्री कृष्ण कौन है, बोले गोकुल भूप नंदन। गोकुल भूप नंद बाबा उनके पुत्र हैं, मतलब सब कुछ है उनके पास, परंतु राधा रानी जो है ना वो बड़ी विलक्षण है। क्या विलक्षणता है उनके पास? भगवान श्री कृष्ण कौन है, महाचौर चक्रवर्ती ही, जो मनों को चुराते हैं। चोरी में जो दक्ष होता है, जो चोर होता है, वह सबसे ज्यादा अलर्ट होता है। सुबह जब चलता है तो यह देखता रहता है पुलिस कहीं से आके पकड़ ना ले, और रात्रि को जब चोरी करने जाता है तो पूरी दक्षता के संग जाता है कि महाराज कोई दूसरा पकड़ ना ले। चोर सबसे ज्यादा दक्ष होता है। भगवान श्री कृष्ण कौन है, बचपन से चुरा चुरा के इतनी प्रैक्टिस कर ली है, महाचौर चक्रवर्ती ही, कोई नहीं पकड़ पाया है इनको। परंतु राधा रानी का देखो स्वभाव, सामे गोकुल भूप नंदन मनश्च चौरी किशोरी कदा। बोले जो सबसे ज्यादा दक्ष है, जिसको कोई नहीं पकड़ पाया है, वो राधा रानी ने क्या करा, उस चोर के भी मन की चोरी कर ली। इतनी दक्षता दिखाते हुए भी कृष्ण वहां पे खड़े हुए हैं, अरे आने दो रास में। शास्त्रों में आया, जैसे ही राधा रानी महाराज रास के अंदर आने लगी, उस समय पर भगवान श्री कृष्ण जो फूक मार मार के बांसुरी को बजा रहे थे, सबसे पहले मुकुट जो था मोर मुकुट, वह ढीला होके नीचे गिरने लगा। अब जो फूक मार के बजा रहे थे, राधा रानी के इस अनुपम सौंदर्य लावण्य को, रूप लावण्य को देखा, तभी फूक मारना भी भूल गए। जैसे जैसे राधा रानी पास आई, धड़ाम सीना नीचे गिर गए। जो सबसे ज्यादा अलर्ट, कृष्ण से ज्यादा दक्ष कौन होगा? परंतु सखी कृष्ण के भाव को बता रही है, बोले सब कुछ है, सब दक्षता है, बड़े चतुर शिरोमणि हैं, बड़े अच्छी अच्छी बात बनाते हैं, कभी किसी के हाथ में नहीं आते हैं, परंतु राधा रानी के पास एक बड़ा अपूर्व गुण है, वो कृष्ण के पास भी नहीं है। बस कृष्ण जैसे ही राधा रानी को देखते हैं, बस राधा रानी देखते देखते ही गोकुल भूप नंदन मनश्च चौरी किशोरी कदा। बोले राधा रानी कौन है, बोले उस दक्ष चोर के भी मन को चुराने वाली है। अब जब मन को चुरा लिया, तब कृष्ण क्या कर रहे हैं, अरे राधे मेरा मन तो लूट के ले गई तू। वेदों के अंदर भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया है, अमना। क्यों कहा गया है, राधा रानी ने चोरी कर ली है, मन तो अमना ही तो कहलाएंगे। तब से महाराज वो तुम मुझे मन दो, तुम मुझे मन दो, तुम मुझे मन दो, सबन के मन मांगने में लगे वह। आज की कथा की शुरुआत में भी तो यही कहा ना, मन दो मन। गोपियों का भी क्या लूटा, मन। उनका एक नाम क्या है, मनमोहन, मन को मोहित करने वाले। दूसरा नाम क्या है, रास का नाम है ये, मुरली मनोहर, मुरली बजा के जो मन को हर लेते हैं, सबके मनों को मांगने में लगे हैं, क्योंकि वेद कहता है कि भगवान श्री कृष्ण अमना है। जिसके पास जो चीज नहीं होती उसी का लोभ होता है। भगवान श्री कृष्ण के पास क्या चीज नहीं है, सब कुछ है, परंतु मन नहीं है। मन उनका राधा रानी ने चुरा लिया है। जिस चीज की चोरी हो जाती है,
अब तो आदमी उसी के लिए हाहाकार करता है, उसकी पूर्ति कैसे हो। भगवान श्री कृष्ण ने रास को क्यों करा? क्योंकि महाराज उनका खुद का मन तो चला गया था, अब तो सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे थे कि कैसे मन तो आ जाए शरीर में। परंतु किसी भी मन से प्रसन्न नहीं हुए। कृष्ण का मन राधा ने चुरा रखा है, ये चमत्कार से चुराया। राधा रानी कौन है? चमत्कारी। तब भगवान श्री कृष्ण अपने मन की प्राप्ति करने के लिए राधा रानी के पास जाके क्या कहते हैं? दास्यम दास्यति सर्व वेद शिरसाम यत्ता द्रहस्यम परम। बोले हे राधा रानी, बस मुझे आप अपनी दासता दे दो। राधा रानी बोली, दासता क्यों दूं भाई मैं तुझे अपनी? दासता से क्या होगा? बोले देखो, बहुत आप अनुपम लावण्य वाली हो, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, परंतु मेरा आपने मेरे मन को चुरा लिया है और अब मैं मन लगा के आपको प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। राधा रानी बोली, तो ठीक है, आगे से तुम्हें और किसी नायिका से प्रेम करना हो खूब करो, मेरे पास से जाओ। तब श्री कृष्ण बोले, नहीं राधे, प्रेम तो आपसे ही करना है, परंतु मेरे ऊपर अब कहीं कोई कलयुग का किसी और विषयों का पाप ना चढ़ जाए, तो मैं तो बस आपका ही आपकी ही शरण चाहता हूँ। तो राधा रानी बोली, शरण लेके कैसे तुम्हें कुछ मिलेगा? तब यहाँ पे सखी बोलती है, यस्यः प्रेम घनाकृति है पद नख ज्योत्सना भर स्ना पिता स्वांतानाम समुदेपी कापी सरसा भक्ति चमत्कारिणी। बोले हे राधा रानी, आपकी जब मैं शरण प्राप्त कर लूंगा, आपकी चरणों का आश्रय जब मुझे मिल जाएगा, तो क्या होगा? प्रेम घनाकृत है, महाराज प्रेम प्राप्त होगा, बड़ा घना प्रेम है, उससे मैं पुष्ट होना शुरू होऊंगा, तो अंतःकरण महाराज मेरा पुष्ट होना शुरू हो जाएगा। बड़ी भाई, किसी का मन चला जाए वीकनेस आ जाती है, मन किसी का इधर उधर जरा चोरी हो जाए, स्कूल कॉलेजों में सबका चोरी हो जाता था मन, खाना पीना भूल जाता है व्यक्ति, तो श्री कृष्ण भी खाना पीना भूल गए थे, तो उन्होंने क्या कहा? बोले यस्यः प्रेम घनाकृते है, बोले हे राधा रानी, जो तुम्हारा घी रूपी जो है पुष्ट प्रेम है, मैं दासता आपकी प्राप्त कर लूं, आपका दासी बन जाऊं, दासी बनने के बाद बस यह पुष्टता आके मेरे अंतःकरण को महाराज पुष्ट कर देगी। फिर बोले पद नख ज्योत्सना भर स्ना पितास, बोले बस उसके बाद तो आपके चरणों का आश्रय ले लूंगा और आपके पैर की उंगली के नाखून से जो ज्योत्सना निकलती है उस पे बैठ बैठ के रोज स्नान करूंगा, स्नान होगा तो मेरे ऊपर लगे हुए किसी भी प्रकार के विषय है वह सब के सब धुलने शुरू हो जाएंगे, मैल उतरना शुरू हो जाएगा। राधा रानी ने पूछा, मैल उतरेगा तो क्या मिलेगा? तो तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वांतानाम समुदेती कापी सरसा भक्तिश्चमत्कारिणी। बोले जब मैल उतर जाएगा राधा रानी, तो बस आप चमत्कारी रूप आप जो हो वह बस मुझे भक्ति प्रदान कर दोगे। राधा रानी प्रेम की देवी है, राधा रानी की उपासना प्रेम की प्राप्ति के लिए होती है। इस संसार में कोई प्रेम नहीं दे सकता, तभी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पास जाते हैं। तो ये कैसा प्रेम? हम तो महाराज रोज मन से तो राधा रानी में अभी तक प्रेम नहीं कर पाए, परंतु तन से तो कर रहे हैं।
जीवन के अंदर जितनी भी भक्ति की क्रियाएं हम करते हुए चल रहे हैं उसके पीछे का कारण नहीं मालूम, बस सीख कहीं देख ली, जरा सी सुन ली और उसके बाद खिचड़ी सेवा शुरू कर दी। कहीं कहीं से मिली, कहीं कहीं से निकाली, कहीं से खोजी और खोज खोज के शुरू कर दी। तो जब वृंदावन की भक्ति, जब राधा रानी समझ में आ जाए, वृंदावनेश्वरी का महाराज शरणागति प्राप्त कर ली, उसके बाद चाखे गो सोई जाने गो, कहने कौन पत्याने गो, व्यासदास जिए भावे गो, तब अंग ख्वासी पावे गो। बोले जब राधा रानी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, रस तो एकमात्र राधा रानी के पास है। अगर श्री कृष्ण के पास रस होता तो राधा रानी के पास क्यों जाते? वृष भानु, भानु माने वृष माने बैल, वृष माने धर्म, भानु सूर्य वो भी धर्म, वेद का धर्म। वृषभानु नंदिनी वेद का धर्म एकमात्र क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुरमूर्तो महान, वेद का धर्म। तभी तो ऐसे ही निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम माने वेद, उसका फल, उसका घनीभूत, उसका सार, उसका एसेंस, रस तो राधा रानी के पास। अब वह सूरज, और राधा रानी सूरज, श्री कृष्ण चंद्रमा। चंद्रमा के पास जो प्रकाश है वो सूरज से आया है। हमें सूरज अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके गुणों को जानते नहीं है, परंतु चंदा को तो कभी प्रियतम, कभी प्रियतमा, कभी मामा बना ही लेते हैं। श्री कृष्ण को तो देख देख कर महाराज उससे तो तुम प्रेम करते ही रहते हो, कभी उसे अपना भाई, कभी सखा, कभी स्वामी, कभी प्रियतम बना ही लेते हो। परंतु जिस दिन महाराज वहाँ राधा रानी को व्यवस्थित कर दिया, उनको जानकर और वृंदावन की प्राप्ति कर ली, बस जैसो चखोगे तभी तुम आनंद पाओगे। ठाकुर भी खुश रहेगा, चंद्रमा भी खुश रहेगा कि भैया मेरे पास भी लाइट की कमी नहीं है, मेरे पास भी पीछे का पूरा बैकअप है। ये प्रेम घनीभूत, हाँ, ये प्रेम का सार, ये है सीकर। सीकरते त्रिलोक सुपाची, सीकरते त्रिलोक सुपासी, तुलसीदास कहते हैं। सीकर, सीकर प्रेम की एक बूंद, उसके अनंत टुकड़े कर दिए गए, अनंत, और अनंत लोकों के अंदर, अनंत त्रिलोकियों के अंदर जितने भी प्राणी रहते हैं उन सबके हृदयों के अंदर एक वह एक अंश उसका डाल दिया गया। इतना प्रेम तुम्हारे पास श्री कृष्ण की तरफ से आया हुआ है। और श्री कृष्ण, श्री कृष्ण उसको प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते, और ये बड़े चालू हैं।
श्री कृष्ण बहुत चालू हैं, ये लोन कलेक्टर हैं, पहले तो लोन दे दिया तुम्हें और उसके बाद विद टैक्स पूरा का पूरी ब्याज के संग इंटरेस्ट के संग चाहिए उन्हें वापस। तुम्हारे पास स्वयं उनका वह जो प्रेम रखा हुआ है तो तुम भगत नहीं बन गए हो, हाँ रखा ही हुआ है, बस वो ठाकुर जी तुमसे नहीं रीझे हैं। जिस दिन अच्छा सा इंटरेस्ट हो जाएगा, जाग के भर जाएगा जब इंटरेस्ट, हाँ वह जो सीकर की वह जो एक बूंद थी वह तुम्हें जब दिव्य आत्मा बना देगी तब ठाकुर जी आएंगे तुम्हें लेने के लिए, उससे पहले नहीं आएंगे। ये बैंक का बिजनेस सीखना है तो ठाकुर जी के पास जाओ, बढ़िया बैंक चला रहे हैं, सबको प्रेम दे दिया, परंतु उसके बाद भी लेने उसी के पास आते हैं जिसकी इंटरेस्ट ज्यादा हो जाती है। दो सीकर वे प्रेम घना करते हैं, बोले वो राधा रानी का प्रेम था ना, वो राधा रानी का वह रस गया था, उसको लेने के लिए तुम्हारे पास आते हैं। सी करते त्रिलोक सुपासी, जब यह प्राप्त हो जाए तब महाराज भक्ति की शुरुआत कही गई है। पर भक्ति आएगी कैसे, बार बार कल भी कहा प्रतिदिन कह रहे हैं, जिस दिन हरि कीर्तन और हरि कथा आ जाएगा। एक साधु थे, नाम था राम लगन, राम लखन नहीं, राम लगन। बचपन से ही राम जी में लगन लगी हुई थी। पिता का नाम था सत्यनारायण, सत्यनारायण जी पुरोहित थे, बड़ी जगह पे महाराज जा जाकर पुरोहिता ही करते रहते। एक गांव में एक के यहाँ शादी थी तो कुछ दिन के लिए गए हुए थे। भाई पहले तो बैलगाड़ियों से जाना होता था, 5-10 दिन में पहुंचो बैलगाड़ियों से, फिर शादी 3 दिन 5 दिन या 7 दिन, और गांव वालों के संग गए हो तो 1 महीने की 1.5 महीने की बारात रुकती थी, हर घरों के अंदर रुका करते थे मेहमान। 1-1 महीने की शादियां हमने देखी हैं कितनी, हाँ गांव के गांव उठ के चले जाते, 1 महीने तक रहते। अब असंभव लगे 1-1 महीने तक, और फिर 1 महीना रहने के बाद फिर से आए, 5-10 दिन फिर लग गए। अच्छा पूरा गांव मिलकर खातिरदारी करता था, किसी का विवाह हो पूरा गांव मिलकर खातिरदारी करता था। तो सत्यनारायण जी चले और जाकर महाराज शादी में थे। उनके पुत्र राम लगन जो थे वह 8 साल के थे। रात को उनकी माँ प्रेम से सुलाने की कोशिश कर रही थी, वह सो नहीं रहे थे, तो लंका दहन का हनुमान जी का प्रसंग वो बार बार सुनाने लगी। सुना रही थी, इतनी देर में 8-10 चोर आ गए उनके घर में, पति है नहीं है, छोटा सा बच्चा है, ब्राह्मणों के घर तो भरे होते हैं। भागवत भी कहती है आत्मदेव जी के बारे में, जब महात्म्य आता है ना प्रथम दिन वाला, जब आत्मदेव धुंधली आदि की कथा सुनते हो, वित्तानाम भिक्षु, देखो क्या जबरदस्त बात है। आत्मदेव कैसे थे, पैसे से भरपूर, वित्ता नाम भरपूर, पैसा भर के था, और दूसरा विशेषण बताया भिक्षु, भिखारी की तरह रहते थे।
ब्राह्मण का घर तो भरा होता है। तो सत्यनारायण जी भिक्षु की तरह से रहते थे, परंतु घर भरा हुआ था। महाराज घर भरा है, चोर आ गए, जैसे ही माने देगा थर थर कांपने लगी, सीधी उठी और बोली अब हाय राम क्या करूं, हाय राम क्या करूं। राम लगन जी बोले माँ डरती क्यों है, हनुमान जी लंका जराने, अभी लंका जरानी शुरू थोड़ी ना करी है, जरा हनुमान जी आवाज़ लगा दे आके अभी सब भगाए देंगे इनको। अब तो जैसे ही सुनो, अरे तू तो छोटो है, तू कहाँ जाने, हाय राम हम तो लुट गए, हाय राम हमारे घर पे चोर आ गए, करती हुई वो तो रोने लगी। हाँ, रोते रोते बेहोश है गई। इन्होंने देखा माँ बेहोश हो गई है, 15-15 महाराज चोर मेरे घर पे आए भए हैं। इन्होंने जोरदारी से, हे हनुमान जी आग बाद में लगाई हो लंका में, पहले यहाँ आ जाओ, हे हनुमान जल्दी प्रकट हो, हाँ लंका में आग बाद में लगाना, तुम यहाँ प्रकट हो जाओ। देखो वह 8 साल के महाराज राम लगन जी की भक्ति, हनुमान जी वानर रूप लेके तभी वहाँ प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद सब जितने भी वहाँ पर चोर थे सबकी अच्छी अच्छी पिटाई करी। बस चोरों का सरदार था उसकी तो खास तौर पर महाराज उसकी मालिश भी करी, और सब करने कराने के बाद राधे राधे करके सब चले गए। कुछ देर के बाद महाराज माँ उठी, माँ ने देखा सब चोर कोई नहीं है, पूरा घर में सामान पड़ा हुआ है। माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ, हाँ मैं तो बेहोश हो गई थी। बोले माँ तूने तो बुलाया नहीं, मैंने बुला लिया, हनुमान जी आ जाओ, आग बाद में लगाना लंका में, पहले मेरे घर को बचा लो। बस हनुमान जी वानर बन के आए, उन्होंने घर को बचा लिया। बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं भाषा हमारे सनातन धर्म में बाद में वह, बहुत बड़े संत, बचपन से ही हनुमान जी की कृपा थी। तो हरि नाम, और उस हरि नाम में भी जिसकी बात कही ना, भजवे को दो ही भले, कै हरि कै हरिदास, हरि और हरिदास। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, कौन से वाले सीताराम चाहिए, बोले हनुमान वाले सीताराम चाहिए। कौन से राधा रमन चाहिए, बोले गोपाल भट्ट जी के हनुमान राधा रमन चाहिए। कौन से कुंज बिहारी चाहिए, कौन से बांके बिहारी चाहिए, बोले कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। कौन से वाले राधा वल्लभ चाहिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वो वाले श्रीवंश जी के, हाँ हरिवंश जी के। तुम अपने वाले बनाने का तो हमारे अंदर ताकत ही नहीं है, हम तो वैसे ही गए गुजरे भए हैं, इतनी भक्ति भक्ति तो हो बे ना है, कहाँ से ठाकुरे प्रकट कर दें। इन सब रसिकों ने महाराज अपने प्रेम से ठाकुर को प्रकट करा है, ठाकुरों ने रोज प्रतिदिन उनके संग लीलाएं करी हैं, मेरे प्रिया लाल जी ने प्रति क्षण उनके संग लीलाएं करी हैं। मुझे कौन सा ठाकुर चाहिए, बोले मुझे तो वही ठाकुर चाहिए जो मेरे आचार्यों को मेरे रसिक जनों को प्राप्त हुआ। अकेले ऐसे ही कर लोगे, क्या पता तुम्हारे पास रहे नहीं रहे। अर्जुन वाले श्री कृष्ण तुमको बचा जरूर सकते हैं, परंतु काम पूरा हुआ तो द्वारका फिर लौट जाएंगे, बंद क्या नहीं रह सकते हैं तुम्हारे पास। कुंती वाले भी श्री कृष्ण बचाने के लिए तो द्वारका से भागे भागे जरूर चले आएंगे, काम जैसे ही पूरा हुआ, कार्य का विस्तार हुआ, तभी वहां से छोड़ के सब द्वारका चले जाएंगे। हमारे यहां तभी तो ये गौड़ियाओं का प्रथम धर्म है, तुम कौन हो, गोपिर भर्तुर पाद कमलयो दास दासानुदासः। कल बताया ना
हम सबका परिचय किया है, हम भगवान के दास हैं। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम दास हो। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? बोले कृष्ण का दास है। परंतु जो वृंदावन की भक्ति कर रहा है उसकी आइडेंटिटी क्या है? यहां हनुमान तो महाराज रावण के सामने जरूर कह गए कौशलेंद्रस्य दासो हम, परंतु हमारा क्या स्वरूप है? हम अपने कैसे बताएं? अपने जब भी इंट्रोडक्शन देना हो, हम कौन है? गोपिर भर्तु पाद कमलयो दास दासानुदासः। वृंदावन का जो भक्त होगा, गोपिर भर्तु पाद कमलयो, जो गोपियों के द्वारा पूज्य श्री कृष्ण है, दास दासानुदासः, बोले उनके दासों के दास हैं हम। तभी जब जब भजन करें, कीर्तन एक ही रहे। अकेले कृष्ण आ जाएं तो हमें संभालना भी नहीं आएगा। तुम्हारे घर पे कोई नया सा मेहमान आ जाए और कहे मेरी सेवा करो, जिसको जानते नहीं उसकी सेवा नहीं हो सकती। क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है? ठीक है, एक बार पूछ लोगे, दो बार पूछ लोगे, ज्यादा पूछ भी नहीं पाओगे। अच्छा, हम जब भी जाते अपने परिवारों के अंदर तो पहले से ही वो हो जाते, महाराज जी का खावे का ना खावे, हमसे तो सीधे ना पूछ सके, तो जो सेवा में रहवे करें उनसे पूछ ले। मैं अब मैं कहाँ से लिस्ट सी बताऊं प्रिंट आउट निकाल के, मैं कौन कौन सी चीज खाऊं कौन कौन सी ना खाऊं। अब वहां पे कृष्ण आ जाए अगर तुम्हारे सामने, सपोज करो कृष्ण आ जाए तुम्हारे सामने, बोले बड़ी भूख लग रही है, कुछ तो खिला। बोले अरे ठाकुर जी अभी रुको, अभी प्याज को छौंका लगा के अभी सब्जी बनाऊं, क्योंकि वो ही खानो जानू, दूसरों कछु जानू ही ना हो। ठाकुर जी बोलेंगे भैया मेरी तो है गई भूख, भूख खत्म, मैं तो चलूं तेरे यहां से।